हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बिल्डिंग डिजाइन सॉफ्टवेयर्स। तो हमने लास्ट वीडियो में ये सारा प्लेसिंग वो सब कर लिया था। अभी हम सिंक का प्रोविजन एंड गैस कनेक्शन उसका देखेंगे। उसके लिए पहले तो हम किचन ओटा के लिए बॉक्स ले लेंगे। फिर से एक बॉक्स ले लेंगे। यहाँ पे हम गैस कनेक्शन प्रोवाइड करने वाले हैं, तो गैस कनेक्शन के लिए हमने ये बॉक्स ले लिया है। उसकी लेंथ थोड़ी सी हमें इंक्रीज करनी है, तो उसको हम आइसोलेट करके चेंजेस करेंगे। यहाँ पे नीचे आइसोलेट सिलेक्शन टॉगल का ऑप्शन रहता है। उसको कन्वर्ट करना है राइट क्लिक करके एडिटेबल पॉली में। फिर पॉलीगॉन लेवल में जाके फ्रंट का पॉलीगॉन सिलेक्ट करना है, उसको बीवेल बोलना है। तो बीवेल का अमाउंट थोड़ा कम रखना है हमें। फिर हमें सिलेंडर लेना है। ऑटो ग्रिड का ऑप्शन ऑलरेडी ऑन है। अभी हमें सेगमेंट्स नहीं चाहिए, ओनली उसके जो साइड्स हैं वो हम 10 रखेंगे। कैप सेगमेंट्स भी नहीं चाहिए हमको, 1 इनफ है। साइड्स ओनली ज़्यादा रखने हमें 25। फिर उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे एडिटेबल पॉली में। पॉलीगॉन लेवल में जाना है आपको, उसका भी फ्रंट का पॉलीगॉन सेलेक्ट करना है। तो पहले तो उसको बीवेल करना है। बीवेल होने के बाद हमें अंदर का जो पोर्शन है उसको एक्सट्रूड भी करना है। फिर हमें ये साइड के जो पॉलीगॉन्स है वो अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने हैं। टॉप के जो पॉलीगॉन्स है वो हमें अल्टरनेटिव सिलेक्ट करने हैं, और फिर उसको हम एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड या बीवेल जो भी आप चाहो वो कर सकते हो। तो ऐसे प्रॉपर आपको उसको बीवेल करना है। फिर इसकी हम एक कॉपी यहाँ पे बना लेंगे। और अंदर के सारे पॉलीगॉन सिलेक्ट करेंगे। तो अंदर के सारे पॉलीगॉन सिलेक्ट करके आपको उसको डिटैच बोलना है।
फिर उसकी हम एक कॉपी बना लेंगे दोनों साइड, और अभी हम अनआइसोलेट करेंगे, फिर से हम बैक आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा गैस कनेक्शन हो गया है, आप चाहे तो इसको अटैच भी कर सकते हो। तो हम उसको अटैच ही करेंगे। तो ये हमारा गैस कनेक्शन हो गया। अभी हम सिंक का प्रोविजन देखेंगे। तो ये जो कैबिनेट है वो ऑलरेडी एडिटेबल पॉली में कन्वर्टेड है। हम पॉलीगॉन लेवल में जाएंगे, तो ये जो ऊपर का पॉलीगॉन है वहाँ पे पहले तो हम बॉक्स क्रिएट कर लेंगे उस साइज का। टेम्पररी उसको मैंने ऊपर मूव कर लिया है, और ये वाला जो पॉलीगॉन है उसको मैं डिलीट बोल देती हूँ। तो ये वाला जो बॉक्स है उसको हम एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करेंगे, उसको हम आइसोलेट करके उसमें चेंजेस करेंगे। तो इसमें भी हम ऊपर का पॉलीगॉन उसका डिलीट कर लेंगे, और अंदर के जो पॉलीगॉन है उसको सिलेक्ट करके फ्लिप कर देंगे। फिर से हम बैक जाएंगे अनआइसोलेट करके। तो ये जो हमने सिंक का प्रोविजन किया है उसको नीचे ऐसे ड्रैग करेंगे। इतना ही पोर्शन मैंने आइसोलेट कर लिया है, एंड अभी आइसोलेट करके हम अच्छे से देख सकते हैं। तो ये हम इसको नल का कलेक्शन देंगे, तो उसके लिए सिलेंडर लेना है आपको, ऑटो ग्रिड ऑन करके यहाँ पे सिलेंडर, फिर उसके ऊपर और एक सिलेंडर लेना है, उसके सेगमेंट्स इंक्रीज करने हैं। जब भी आपको बेंड मॉडिफायर अप्लाई करना है तो सिलेंडर्स को ज्यादा सेगमेंट्स देने। तो ये बेंड मॉडिफायर अप्लाई हो गया है, हम उसको एडिटेबल पॉली में कन्वर्ट करेंगे। और उसके नीचे के जो पॉलीगॉन्स हैं सबको सिलेक्ट कर लेंगे। फिर उसको नीचे सिंपली ऐसे मूव कर लेंगे। फिर साइड में उसे हमें टैब दिखाने हैं उसके, तो उसके लिए हम सिलेंडर ही हमने ड्रॉ कर लिया है, और हम पॉलीगॉन लेवल में जाके उसको बीवेल करेंगे पहले तो। तो ऐसे हम उसको बीवेल कर लेंगे।
और थोड़ा सा पोर्शन इसे एक्सप्लोर कर लेंगे और सिमिलरली इसको ये वाले साइड भी कॉपी कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा बेसिन का प्रोविजन। अगर हम इसको रेंडर करके देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखेगा। फिर अभी हम पूरा अनआइसोलेट करेंगे। तो अभी तो फिलहाल आपका मटेरियल का सेशन नहीं हुआ है तो इसके लिए मैं ये नॉर्मल कलर से दूंगी उसको भी। किचन ओटा के लिए जो हमने बॉक्स यूज किए उसको हम ब्लैक कलर देंगे। अगर आपको मटेरियल्स आते हैं तो आप मटेरियल्स भी अप्लाई कर सकते हो इसको। तो रेंडर करने के बाद ये कुछ इस प्रकार दिखेगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा और आपको ये पूरा जो प्लेसिंग है किचन कैबिनेट का वो समझ में आया रहेगा। अगर आपको उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिख सकते हो, आपके जो क्वेश्चंस है वो आप पूछ सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस।